बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकासखंड अंतर्गत बसंतपुर थाना क्षेत्र में अवैध गांजे की खेती की सूचना मुखबिर से थाना प्रभारी को प्राप्त हुई थी, जिसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस थाना प्रभारी राजकुमार लहरे के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया और आरोपी हरदेव खैरवार गोबरा निवासी के घर दबिश दी गई, जहां मक्का बड़ी की आड़ में अवैध गांजे की खेती की जा रही थी, जहां से 210 नग अवैध गांजे के पौधे को बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। ये मुखबिर से पुलिस बसंतपुर पुलिस को सूचना मिला कि ग्राम गोबरा निवासी हरदेव खरवार अपने कब्जे के बाड़ी में काफी मात्रा में गांजे की खेती कर रहा है। उक्त सूचना पर बसंतपुर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आरोपी हरदेव खरवार के कब्जे से उनके बाड़ी में लगाए हुए गांजे की फसल, जिसे आरोपी द्वारा उखाड़ चुका था, कुल 210 नग गांजे की लंबाई लगभग 10.5 फीट की आसपास रहा है। लगभग एक ट्रैक्टर के बराबर अवैध मादक पदार्थ गांजा की पौधे बसंतपुर पुलिस द्वारा जब्त करके आरोपी हरदेव खैरवार को गिरफ्तार किया गया है। सर, उसके साथ इस कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह, धन सिंह शांडिल, अनिल इक्का, प्रीमन तिर्की, सलीम इक्का, सुधवन मरावी आदि शामिल रहे। संवाददाता आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।